Okay. Hey, hi, Himanshu here with another vlog. यार आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ चीज सोचते हो कि यार ये चीज करनी है बट उसके लिए एक्सक्यूजेस पहले ही ढूंढ लेते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आपके पास बहाने पहले से स्टार्ट होते हैं कि यार मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, कैमरा है तो अच्छा लेंस नहीं है, फिर वीडियो एडिट करने के लिए कोई लैपटॉप नहीं है. मतलब ढेर सारे बहाने आप पहले ही सोच लेते हो कि ये चीजें नहीं है तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो ही नहीं सकता. उसी तरह से अगर आपने आपकी कोई हॉबी है, फॉर एग्जांपल आपकी वुड वर्किंग हॉबी है, तो आप एक टेबल बनाना चाहते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीजें DIY करना चाहते हैं, तो आप पहले ही सोच लेते हो माइंड में यार मेरे पास ये वाली सॉ नहीं है, मेरे पास जिग सॉ नहीं है, मेरे पास टेबल सॉ नहीं है, मेरे पास कोई हैंड टूल्स नहीं है, अच्छा सा हैमर नहीं है, कोई ड्रिलिंग वाली नहीं है. तो ये सारी चीजें आप पहले ही सोच लेते हो और ये सारी चीजें बहुत बहुत ज़्यादा गलत है. अब मैं ये बोलता हूँ कि इफ़ यू आर रियली पैशनेट कि यार मैंने ये हॉबी परस्यू करनी है तो उसके लिए आप जी जान लगा दोगे, जैसे मर्जी आपको जुगाड़ करने पड़े. लेकिन इफ़ यू आर नॉट पैशनेट इनफ, अगर नहीं हो कि हाँ यार बहाने ढूंढ लिया आपने पहले से, तो आप वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, और स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, और ग्रो नहीं कर पाओगे तो यू नो लंबी हाइट्स में नहीं ले जा पाओगे. लंबी हाइट्स का मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस चाहिए, क्योंकि सक्सेस के मायने बहुत अलग अलग होते हैं. अब सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है लोगों के साथ. कईयों को इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो किसी काम को करने में तो वो सक्सेस मानी जाती है. किसी को पैसा बहुत ज़्यादा प्यारा होता है तो अगर वो पैसा ग्रो कर रहा है तो वो उसके लिए सक्सेस होती है. तो ये ना सक्सेस जो टर्म है वो सबके लिए अलग अलग होती है. तो मेनली ये है कि आपको हैप्पीनेस किस चीज़ में मिल रही है. तो अगर अच्छे से मन में है कि भाई ये चीज़ मैंने करनी ही करनी है, मतलब जो मर्जी करना पड़े, जो मर्जी जुगाड़ करना पड़े, तो मेरे पास सिर्फ आपके लिए एक ही टिप है कि जस्ट स्टार्ट. एक ऐसी ही हॉबी के बारे में आज मैं बात करूंगा जो है वुड वर्किंग. तो वुड वर्किंग के लिए आपको पता ही है कि काफ़ी सारे टूल्स चाहिए आपको कुछ भी चीज़ बिल्डअप करने के लिए. बट महंगे ही हो वो टूल्स ऐसा नहीं है. मैंने पिछली कुछ वीडियोस में जिक्र किया है सोनू की फैक्ट्री का, तो दिस इज सोनू की फैक्ट्री जहाँ पे वो मोमेंटोस और मेडल्स, अवार्ड्स, इस तरह की सारी चीज़ें बनाता है और कस्टम बिल्ड होती है. जैसे कि ये ट्रॉफीज़ वगैरह के होते हैं जो अनफिनिश्ड है इस वक्त, और इस तरह के जो फिनिश्ड होती है इसमें आपने नाम वगैरह लिखाना हो, ये सारी चीज़ें वो कस्टम बनाता है. और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा सेटअप है कि बहुत महंगी महंगी लाख लाख दो दो लाख रुपए की मशीन्स हैं. सिंपल सी मशीन्स है बट उसको थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है ताकि वो उसके काम आ सके एफिशिएंटली. तो ढूंढते यार सोनू को, ढूंढते कहाँ पे है. ओके, तो लेट्स सी सोनू भाई क्या कर रहे हैं. छोटी छोटी मशीन से भी एक सेटअप बनाया हुआ है उनको मॉडिफाई करके, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ले लेनी है. अगर आपकी हॉबी है वुड वर्किंग तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ले लेनी है, छोटी छोटी मशीनों से भी काम चल पड़ता है और मस्त वाला काम चल पड़ता है. ये है टेबल सॉ जो कि आपको अराउंड 40-50,000 रुपीज़ की मिलती है. बट इसकी कॉस्ट क्या है? पूरा सेटअप इसका 7,000 का. तो मतलब मशीन लगी है इसमें तो 3,000 रुपए की मशीन होगी. हाँ, बाकी तो बाकी ये तो खुद कस्टम बनाया हुआ, मतलब बेसिकली. हाँ, अगर वो अपने पास है तो 3,500-4,000 में जाते हैं, है ना. अगर मतलब खुद बनाना होना है तो खुद बनाने के लिए तो यार एक तो टेबल्स है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है अगर वुड वर्किंग आप कर रहे हो. वैसे तो हैंड टूल्स भी चल पड़ते हैं पर यार आजकल के टाइम में ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना पड़ता है ना, इसलिए पावर टूल्स चाहिए चाहिए. सेकंड जो चीज़ है वो है यहाँ पे, ये है राउटर. तो राउटर से आपके ग्रूव्स बनते हैं, राइट. जैसे कि इसमें बने हुए हैं ग्रूव्स, तो इस तरह के आप ग्रूव्स इसमें बना सकते हो. ये भी हैंडमेड ही है, मतलब आपका राउटर तो मिल जाता है, हैंड राउटर आप आराम से यूज कर सकते हो. बट इनको चाहिए था इस तरह का सेटअप तो इन्होंने ये सेटअप बनाया. तो राउटर की कॉस्ट क्या होती है? 5,000 रुपए कॉस्ट होती है. बाकी टेबल आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद बना सकते हो या किसी को बनाने देना है आपने. तो नॉर्मली कितने का बन जाता है अगर बाहर देखे तो? ये वाला. हाँ, ये वाला कितना? ऐसे 65 हो गया है ना, इतने का ही बनेगा टोटल मशीन के साथ, है ना, मशीन के साथ. तो मतलब 1,000-1,500 रुपये ऊपर देके आप टेबल भी बना सकते हो. नहीं तो यार खुद बनाओ यार, कमाल है क्रिएटिविटी. बिल्कुल खुद, हमने तो खुद बनाया है, ये खुद ही बनाया हुआ है ना. हाँ, तो देख लो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोज है, ढेर सारे टेम्पलेट्स है जिस तरह से भी बना सकते हो.
तीसरी चीज पे आते हैं. पहली चीज होगी टेबल सॉ, दूसरी चीज होगी हमारा राउटर, और तीसरी चीज क्या है हमारे पास, तीसरी चीज है जिक्सो. इसको किसी टेबल पे फिक्स नहीं किया है क्योंकि इनका काम है इस तरह की कटिंग का, तो इसके लिए जरूरत नहीं है. जरूरत होगी भी तो बना लेंगे, क्यों भाई जी. बिल्कुल हाथ से अच्छा चलता है ना, हाथ से ज्यादा सही चलता है. तो अगर जरूरत होगी तो इसका भी बन जाएगा. जिग्सो का मेनली काम क्या होता है, ये भी एक तरह की मतलब अब बोल सकते हैं ना, सर्कुलर सॉ किस काम आती है कि आपने स्ट्रेट कट्स करने हैं तो सर्कुलर सॉ काम आएगी. जिग्सो आती है कि अगर आपने टेढ़े मेढ़े काटने ना, तो बेसिकली जिग्सो बड़े छोटी छोटी जगहों पर भी फिक्स हो जाती है और आपके बिल्कुल एक्यूरेसी से कट जाते हैं पीसेस. तो तीसरी चीज आपको चाहिए जिग्सो. चौथी चीज क्या चीज होती है, जिग्सो अगर नहीं भी है ना तब भी आप सर्कुलर सॉ जो होती है उससे काम चला सकते हैं. बट अगर छोटी छोटी जगहों पे आपने घुसना है ना, तो उसके लिए जिग्सो इज गुड. नहीं तो जो हेक्सा ब्लेड आता है ना, इसे कर्ली कट जाता है बढ़िया. हाँ, इसे कर्ली कट जाता है, मतलब अगर आपने प्रोडक्शन में करना है काम. लेकिन अगर इसका ऑल्टरनेटिव आप हैंड टूल में चाहोगे तो वो हेक्स, मतलब हेक्सा होती है, कौन सी होती है वो, ब्लेड होता है जो हेक्सा ब्लेड होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. चौथी चीज़ आपको चाहिए रगड़ने के लिए. मतलब आपने रफली कट तो कर लिए पीसेस, लेकिन उनको थोड़ा पॉलिश करने के लिए ना, आप हाथ से भी अगर सैंड पेपर ले लोगे, सैंड पेपर आपको 150 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का मिल जाएगा. लेकिन अगर आपके पास बेल्ट सेंडर हो तो और क्या चाहिए. तो बेल्ट सेंडर क्या है, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर सैंड पेपर लगाया हुआ और ये गोल गोल घूमता है और आप इसमें कुछ भी चीज़ रगड़ सकते हो अच्छे से, मतलब यू नो बिल्कुल फिनिशिंग, तगड़ी वाली फिनिशिंग आएगी. और बेल्ट सेंडर होते हैं और भी बहुत सारे सेंडर होते हैं, ऑर्बिटल सेंडर होते हैं ना, डिस्क सेंडर होते हैं, ये चीज़ें बेसिकली काम क्या है, इसको अच्छी तरह से पॉलिशिंग देने का. तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ले सकते हो अपने हिसाब से कि आपको किस तरह का चाहिए. अगर तो आप एक दो प्रोजेक्ट लिए कर रहे हो ना यार, अगर आपकी हॉबी है तो, और आपकी बाजुओं में ज़्यादा तेल है, तो आप आराम से सैंड पेपर से यू नो क्या क्या बोलते हैं, कोई ब्लॉक ले लो, उसके बाहर सैंड पेपर लगा दो और उसमें रगड़ दो, मस्त चलता है काम. लेकिन इन्होंने करना है प्रोडक्शन वाला काम, तो प्रोडक्शन के लिए तो भाई जल्दी जल्दी चाहिए सारी चीज़ें, इसीलिए इन्होंने बेल्ट सेंटर लिया हुआ. तो यार जो लास्ट चीज़ आपको चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एक ड्रिल मशीन. वो वायरलेस ड्रिल हो सकती है, वो हैमर ड्रिल हो सकती है, वो किसी भी टाइप की ड्रिल हो सकती है, लेकिन आपको एक ड्रिल मशीन चाहिए. तो ड्रिल मशीन के भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, जैसे कि ये एक ड्रिल है जो जो किसी कैमल कंपनी की है, देसी कंपनीज़ की भी आती है और ब्रांडेड कंपनीज़ की आती है. मैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कोई ऐसे मत जाओ कि यार बॉश की ही सारी चीज़ें लेनी है या फिर कोई कंपनी की है वही सारी चीज़ें लेनी है, क्योंकि ये सारी कंपनियाँ महंगी है और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं करोगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना, आप इसको रगड़ाओगे कुछ भी करोगे. तो मैं बोलता हूँ कि कोई देसी कंपनी से स्टार्ट करो. हाँ, इतनी भी देसी नहीं होनी चाहिए कि एक दो दिन में ख़त्म हो जाए. मतलब थोड़ा सा ना, मतलब जो दुकानदार है ना उसके ऊपर थोड़ा सा जरूर ना कि यार भाई अच्छी सी देना, ठीक है ना, जो ठीक ठाक चल पड़े. तो यार अगर तो आप हॉबीस्ट हो और स्टार्ट ही कर रहे हो अपनी सारी चीज़ें, तो यार आपको इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्शन का काम करना है या छोटी मोटी कोई वर्कशॉप करनी है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना. तो इसको बोलते हैं कंप्रेसर. जैसे इसमें देख रहे हैं कि बिल्कुल चमक रहा है, चश बिल्कुल आ रही है. तो अगर आप हाथ से इसको स्प्रे कर रहे होते तो आपको टाइम लगना था, मतलब हो तो जाना था, इसी तरह से चश हो जानी थी, पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना था. तो आप अगर प्रोडक्शन चाहते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं बना पाऊँ कम टाइम में, तो आपको कंप्रेसर की ज़रूरत है. काफ़ी सारी पॉलिश कर पाऊँ चीज़ें बेसिकली, है ना, या फिर पेंट कर पाऊँ, तो आपको कंप्रेसर की ज़रूरत है. एक और चीज़ है, अगर आप कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टर चाहिए. तो इन्वर्टर भी ले लेना अगर आप बड़े स्केल पे कर रहे होगा तो. आप हॉबीस्ट हो, इन्वर्टर हो, जनरेटर हो, जो भी, हाँ जनरेटर इन्वर्टर कुछ भी. और अगर तो आप हॉबीस्ट हो तब तो आपको ज़रूरत नहीं है, घर में ही काम कर रहे हो. तुम लोग बोलोगे बड़ा है ज्ञानी बाबा, बड़ा ज्ञान पेल रहे हैं, बट सच में सोचो यार,
अगर तुम बड़े टाइम से सोच रहे हो कि कुछ चीज़ करनी है तो उसको कर क्यों नहीं लेते, स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते, उसको करके देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, फेल हो जाओगे तुम, बट तुम्हें पता तो लग जाएगा ना कि ये चीज़ करने से क्या होता है। और हाँ, मैं ड्रग्स ट्राई करने को नहीं बोल रहा हूँ। तो यार बहुत हो गया आज ज्ञान की बातें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, दबा देना यार, लाइक बटन दबा देना, और सब्सक्राइब का बटन भी है उसको भी दबा देना, घंटी आएगी उसको भी दबा देना, बहुत कुछ दबाना है तुम्हारे को। और हाँ, फॉलो कर लेना हिमांशु शर्मा YT इंस्टाग्राम पे, आई एम वेरी एक्टिव ऑन दैट। ओके, मिलता हूँ किसी और व्लॉग में।